Cheers, welcome back. Good healthy morning. जैसे मैंने आपको बताया था कि आज हम मेडिकल सेगमेंट में बात करने वाले हैं हार्ट डिजीजेस पे. देखिए, हार्ट डिजीज पे हम बहुत बात कर चुके हैं, बहुत टाइप्स की भी आपको बता चुके हैं, किस तरह होते हैं, रीजंस पे भी बात हो चुकी है जी. बट अब वक्त आ गया है कि आप लोग को थोड़ा सा जिसकी जो टेस्ट आपके होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन होती हैं, उनकी तरफ आपको बताया जाए कि वो इन्वेस्टिगेशन क्यों इंपॉर्टेंट हैं, किस चीज़ की कैसे इन्वेस्टिगेशन होती है. आज हम जो है मेनली उस चीज़ पर बात करेंगे. हाँ, रीजंस पे भी बात करेंगे फॉर श्योर, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के जो प्रोसीजर्स होते हैं उन पर ज़्यादा डिटेल में बात होंगी. और हमारे पास दो बहुत ही मौजूद गेस्ट मौजूद हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराने से पहले पोल का सवाल मैं रिपीट करते चलूँ. हमारे पोल का सवाल है कि गाड़ी की फ्रंट सीट पे आप किसको बिठाएंगे, माँ को या बीवी को? और ये सवाल जो है मर्द हजरात से स्पेशली है, क्योंकि वो फंसते हैं इस तरह की सिचुएशंस में. अब हम जो है आपको अब हमारे जो हमारा आज गेस्ट पैनल है उसे इंट्रोड्यूस कराते हैं. सबसे पहले तो हमारे पास एक ऐसे डॉक्टर साहब हैं जो बहुत बार आ चुके हैं, आप उनको जानते हैं, और माशाल्लाह बहुत ही इज वेरी स्वीट, वेरी हम्बल, और जिस तरह वो एक्सप्लेन करते हैं विच इज़ यू नो बहुत ईजी करके, ताकि आप सबको, मुझको, सबको अच्छे से समझ आ जाए. तो हमारे पास मौजूद हैं कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हेड ऑफ हिज डिपार्टमेंट है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जियाउद्दीन मेडिकल हॉस्पिटल में होते हैं और क्लिफ्टन के कैंपस में मेनली होते हैं. और हमारे पास मौजूद है डॉक्टर सैयद इमरान अहमद साहब. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब. वालेकुम अस्सलाम. एन एक्सीडिंगली एलैबोरेट इंट्रोडक्शन, मेरे ख्याल में अब हम नाज़रीन से इतनी दफ़ा आपकी विसातत से और लोगों से याद हो गया. अब हमारे हमारे जो गेस्ट हैं उनको याद भी हो गया, अक्सर क्वेश्चन भी याद है, डॉक्टर इमरान से पूछ के बताएंगे. दैट्स वेरी काइंड ऑफ एवरीबॉडी हु सेड दैट. एंड इनके साथ मौजूद है, सिंस आज हम इन्वेस्टिगेशंस पे बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो सोनोलॉजिस्ट करते हैं. तो हमारे पास जो है कार्डियक सोनोलॉजिस्ट हैं, नॉट फ्रॉम पाकिस्तान जी, और हमारे पास वो एक्चुअली लैटरब हॉस्पिटल से हैं. अब ये कहाँ है और वो कहाँ होती है ये हम आपको भी बताते हैं. हमारे पास मौजूद है इसमें तफीस साहिबा. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में, पाकिस्तान एंजॉय कर रही हूं. बहुत छोटा स्टे था तो हमने कहा पकड़ ले इनसे पहले आप लोगों से इनका इंट्रोडक्शन और इनसे बातें निकलवाएं, ताकि इससे पहले वापस चली जाएं. ठीक है, हम लोग सबसे पहले तो पोल के सवाल से स्टार्ट करते हैं जी. इन लोगों से पूछते हैं पोल का सवाल. सर, आप यू बीइंग मेल, आप बताएं क्या आप गाड़ी के फ्रंट सीट पे किसको बिठाएंगे? आई विश आई हैड एन ऑप्शन. आई एक्चुअली लॉस्ट माय मॉम वेरी अर्ली इन माय लाइफ, सो आई विश आई हैड दैट ऑप्शन. सो द ऑन वी हैव थ्री लेडीज इन आवर हाउस, माय टू डॉटर्स एंड माय वाइफ. सो मेरे ख्याल में बहुत ऑब्वियस सिलेक्शन है कि आगे कौन बैठेगा. लेकिन कभी कभी मेरी बेटी भी बैठ जाती है, जो अब माशाल्लाह बड़ी हो गई हैं, ए लेवल्स में पढ़ रही हैं, वो इस वजह से बैठ जाती हैं कि कोई ऐसा काम है जिसमें उनको रहना है और बेगम साहिबा को रास्ते में उतरना है. हाँ, ये भी है. तो ये भी तो एक उसकी नीड भी तो है ना. नीड भी है. तो फिर अगर वो उतर जाएंगी और आप आगे बैठे हुए हैं, सब लोग पीछे, तो इतना मजा नहीं आता. तो फिर वो आराम से अब्बा के साथ वो इंटरचेंज हो रहा होता है. सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कि मेरी गाड़ी में सब लोग सीट बेल्ट लगाते हैं. और ये मैं चाहूंगा कि हमारे ऑडियंस के लिए भी मैसेज जाए. और इनफैक्ट जो कोई इंकार करे किसी भी वजह से, तो मैं उनको आराम से गाड़ी खड़ी करता हूँ, बाहर उतर आए. दूसरों के लिए खतरा है. दूसरों के लिए खतरा है, डेफिनेटली. अच्छा सर, लेकिन आपने देखा तो होगा ना आपके फ्रेंड्स और इस तरह की सिचुएशंस में फंसे हुए, थोड़े से क्या क्या करें, यू नो, तो उनको क्या करना दिखाई. ये चूंकि पहली दफा तो नहीं होता ना कि भी किसी के भी साथ, तो मेरा ख्याल है कि जो भी लोग ये फैसला करते हैं वो कर चुके होते हैं, तो वो ऑटोमेटिक होता है कि किस फैमिली के क्या नॉर्म्स हैं, उसी हिसाब से होता है. और मेरे ख्याल में आगे बैठने और पीछे बैठने की बात नहीं है, ये दिल के अंदर जो मौजूदगी है, माँ का रोल है. और किसी ने पहली बार आके कोई सही बात की यहाँ पे, वेरी नाइस. ये होता है, ये एक्चुअली आगे पीछे बैठना, इट्स नॉट रिलेटेड टू एनी रिस्पेक्ट लेवल, वो आपके दिल में होती है जी. आगे पीछे कोई भी बैठ सकता है, जिसको पहले उतरना है वो पीछे बैठ जाएगा, ताकि आगे की सीट खाली ना हो. लेकिन मर्दों को बसों में आगे वाली सीटों पर नहीं बैठना चाहिए. अब वो तो सर और मल्टीपल रीजन. अच्छा, वैसे साहिबा से बात करते हैं, तो इसमें आप मुझे बताइए कितना है, कितनी ड्यूरेशन है आपके स्टे की, कब तक है आप पाकिस्तान में? मैं यहाँ पे लास्ट वन वीक से थी. अब मैं इंशाल्लाह फ्राइडे को मेरी फ्लाइट है. ओके, तो फिर मैं यूएसए चली जाऊँगी. अच्छा मैम, मुझे बताइए कि व्हाई आर यू अ सोनोलॉजिस्ट, व्हाई नॉट एनीथिंग एल्स? नहीं, मुझे हमेशा से मेडिकल फील्ड से बहुत दिलचस्पी रही है. ओके. मगर ये कि मुझे मौका इतना नहीं मिला कि मैं मेडिकल कॉलेज जाती हूँ एंड बिकम अ डॉक्टर. तो मैंने ये उसका सब्स्टिट्यूट, फिर मैंने ये चूज़ किया कि मैं इस फील्ड से रिलेटेड रहना चाहती थी. और स्पेशली मेरा इंटरेस्ट कार्डियोलॉजी में बहुत ज़्यादा था, तो उसकी वजह से फिर मैं कार्डियक में ही रही. तो अब मैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ही काम करती हूँ. और ये कि मेरा सारा वक्त जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट के ही साथ
गुजरता है. तो हम एज ए टीम काम करते हैं क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है कभी कभी वो इतने बिजी एक दूसरे जी हाँ कभी कभी वो इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि सिर्फ जैसे उन्होंने मुझे ऑफिस से ही कॉल कर दिया कि इस्मत मैं एक पेशेंट भेज रहा हूँ प्लीज़ तुम घर नहीं जाना इसको करके जाना ऐसा ना हो कि तुम निकल जाओ. तो फिर ये होता है कि मैं मेक श्योर करती हूँ कि वो पेशेंट पहुँच चुका हो हॉस्पिटल और उसका टेस्ट हो चुका हो. ओके जो कार्डियक सोनोलॉजिस्ट है उसका रोल बिल्कुल पिविटल है क्योंकि आजकल की डायग्नोस्टिक जो नीड्स हैं हमारी कार्डियोलॉजी या क्लिनिकल कार्डियोलॉजी में उसमें जो हम रैपिड अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं और बाद में शायद हम इसको डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये होता क्या है. मैं अपना आपको ये बताऊं कि मेरे लिए मेरी जो सोनोलॉजिस्ट है जिसको जैसे हम इंग्लैंड में मिसाल के तौर पर कार्डियक फिजियोलॉजिस्ट कहते थे या पाकिस्तान में एकोटेक्स कहते हैं ज़्यादातर, लेकिन वो जो सोनोलॉजिस्ट हैं जो ट्रेंड हैं उनकी जो रिकॉर्डिंग डीवीडी पर होती है मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ कि कार्डियोलॉजिस्ट से अच्छी होगी जो खुद अगर कोशिश भी करे, हालांकि चाहे उसने उसको ट्रेन भी किया हो ड्यूरिंग हर ट्रेनिंग पीरियड. हर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट ऑलवेज ये खवातीन ही है ना, तो देयर इज अ बायस देयर, देयर इज अ बायस. तो ये औरतों की दुनिया है आप जितना उसको मर्दों की दुनिया ये पहली बार किसी सर आप ऐसी बातें आके कर रहे हैं जो पहली पहली बार कोई कर रहा है. किसने कहा ये एग्री करेंगी मेरे साथ हैं बैठी हुई कि खवातीन का यहाँ पे डोमिनेंस है कर रहे हैं ना, डोमिनेंस डोमिनेंस तो है मगर इसमें हमारे साथ मेल भी हैं, हमारे यहाँ भी हैं चंद एक हैं बहुत. और अब तो माशाल्लाह हमारे जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जैसे इनफैक्ट मैं जब बहुत सालों पहले इंग्लैंड से आने के बाद ये प्रोग्राम बनाया तो आगा खान यूनिवर्सिटी में शुरू किया कि ये टेक्नीशियन ड्रिवन स्टडीज़ होनी चाहिए. और ये सब हमें उस ज़माने में हम सुपर वीएचएस पे रिकॉर्ड करते थे, फिर वो होते होते वो फिर वो सीडीज़ और अब डीवीडीज़ और ये सारी कुछ आ गया है. तो ये सारे लोग जो हैं इतने अच्छे ट्रेन हुए पाकिस्तान में और खास तौर पे चंद लड़कियां, क्या वो कभी आप यूएई किसी मीटिंग में जाएं तो आपको मिलेंगे, आप सऊदी अरब में हो तो वहां पे वो मौजूद हैं. तो माशाल्लाह ये एक तरह से हमारे मुल्क के लिए भी है. और डॉक्टर साहब ये जिस तरह हमारे साथ इसमें बैठी हुई हैं ये वहां पे इतना अमेरिका में पाकिस्तान के लिए बेहतरीन नाम कमा सकती हैं क्योंकि और कमा रही हैं क्योंकि ये इस तरह का जो काम वहां कर रही हैं. आर रिप्रेजेंटेटिव ओवर देयर एंबेसडर. हां हमारी एंबेसडर हैं जी. अच्छा मैम आप वो हमारे पोल का सवाल मतलब ये सिचुएशन आपके यहाँ तो शायद मुश्किल ही आती हो लेकिन आप नहीं नहीं आती है आखिर हम हैं तो पाकिस्तानी ना. हाँ. चाहे अब यहाँ रहें या यूएसए में रहें या इंग्लैंड में रहें लेकिन ये वही वाली बात है कि देखिए आपको किसी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए. अगर हमारे कल्चर में तो वैसे भी माँ की और सास की एक खास मुकाम होता है. अब मेरे लिए मैं नहीं समझूंगी कि ये बात सही है कि मैं उनको साइड में करके और खुद आगे जाके हाँ. बैठ जाऊं. अगर वो मुझसे कहें नहीं नहीं, नहीं बेटा तुम ही आगे बैठो मियां के साथ, अगर वो कहें तो मैं बैठ जाऊंगी आगे. लेकिन अगर ये है कि उनकी ख्वाहिश है अपने बेटे के साथ बैठने की तो बाय ऑल मींस वो बिल्कुल बैठे. मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी या कोई उनके साथ प्रॉब्लम या इसमें कोई छोटी सी बात है. जी हाँ ये इतनी छोटी सी बात है कि इसके ऊपर कोई इशू खड़ा करना बिल्कुल फजूल. अच्छा वेरी नाइस मैम, द वेरी नाइस यू थिंक दैट वे. लेकिन हमारे इस तरह के इश्यूज हर रोज कहीं ना कहीं उठ रहे होते हैं. आई एम श्योर के होते होंगे. अच्छा व्यूज हमारे पास एक जैसे कहते हैं ना पैकेज है और वो पैकेज हम चलकर देखते हैं. उसके बाद जो है हम इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स पे आते हैं तो चल के देखते हैं वो पैकेज फौरन वापस आएगा. इंसानी जिस्म में सबसे अहम जुज दिल है. दिल इंसान के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक खून सप्लाई करने का काम करता है, इसलिए इंसान के दिल का सेहत मंद होना अजहद जरूरी है और दिल के अमराज इंसानी जान के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं. एक ताज़ा सर्वे के मुताबिक एशिया में और ख़ास तौर पर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन में दिल के अमराज में पिछले कुछ सालों में तेज़ी से इजाफा नोट किया गया है, जिसकी बुनियादी वजह बढ़ती हुई आलूदगी, सिगरेट नोशी, शराब नोशी, सेहतमंद खेलों का फुकदान, वर्जिश ना करना, आलूदा पानी, गैर सेहत बख्श खाने और इलाज की बेहतर सहूलियात का मैसर ना होना शामिल है. दिल के अमराज में ख़तरनाक हद तक इजाफे की एक अहम वजह लोगों में इस मर्ज के बारे में मालूमात का ना होना या गलत होना भी शामिल है. अक्सर देखा गया है कि दिल के मरीज को इस बात का पता ही नहीं होता कि वो दिल के मर्ज में मुबतला है और अचानक दिल का दौरा पड़ने पर इसे पता चलता है कि काफ़ी देर हो चुकी है. माहिरीन का कहना है कि कोई भी इंसान कार्डियक अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ये मालूम कर सकता है कि आया वो दिल का मरीज़ है या नहीं.
जी वैसे भी आपने एक बड़ा प्रिसाइज सा पैकेज देखा दिल के अमराज के बारे में, और अब हम थोड़ी सी अल्ट्रासाउंड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछते हैं मैम, ये दिल का अल्ट्रासाउंड क्या चीज़ होती है? दिल का अल्ट्रासाउंड जो है ये आपको बताता है कि आपकी हार्ट की कैपेसिटी कितनी है, पंपिंग कैपेसिटी कितनी है सबसे ज़्यादा, क्योंकि बाकी और चीज़ें आप EKG से भी मालूम कर सकते हैं, मगर लाइव हार्ट इमेजेस जो आ रही हैं कि हार्ट किस तरह पंप कर रहा है, या हार्ट के वेल्व्स किस तरह खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं, या उनमें से लीकेज कितना हो रहा है, या हार्ट के वेल्व जो हैं वो कैल्सिफाइड हो चुके हैं तो वो किस तरह से कैल्सिफाइड होने के बाद इनफेक्टिव हो गए हैं, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा आपके हार्ट के ऊपर असरअंदाज होती हैं कि आपके हार्ट का फंक्शन डिमिनिशेस होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें कार्डियक अल्ट्रासाउंड के थ्रू मालूम की जाती हैं। अब यह और बात है कि आपके जो जो आपके कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं अब कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं जब उसको देखते हैं और उसको इवेल्यूएट करते हैं, उसके बाद वो अपने मरीज का इलाज या तो वो ज़ेरे इलाज होते हैं या ये कि उनका इलाज फिर उसके बाद शुरू किया जाता है, या अगर उनके सिम्टम्स इतने ज़्यादा सिवियर हैं कि उनके सिम्टम्स को जानने के लिए, क्योंकि सिम्टम्स तो इट कैन बी एनीथिंग कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ से लेके चेस्ट पेन से लेके कोई भी चीज़ हो सकता है, या हार्ट नंबनेस भी होती है। जी हाँ, जैसे कि अब ये इंटरनल मेडिसिन के जो डॉक्टर हैं या ये फैमिली मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं, अब अगर उन्होंने कोई हार्ट मर्मर सुनी है तो वही जानना चाहते हैं कि ये हार्ट मर्मर किस वजह से है, क्या ये फंक्शनल मर्मर है या इसका कोई रीज़न है। फंक्शनल मर्मर से तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पैदा होता, लेकिन यह है कि अगर मर्मर है तो उसका फिर उसकी वजह का जानना ज़रूरी है, और मोस्ट लाइकली फिर वो यही होता है कि हार्ट वाल्व जो हैं वो लीक कर रहे हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा इससे पता लग जाती है स्ट्रेस से कि फिर आपका इलाज शुरू हो सकता है। और अगर आपके हार्ट में या आपकी आर्टरीज आर क्लॉग्ड हैं तो आपके हार्ट का जो पंप कर रहा है वो जिस तरह मूव कर रहा है हार्ट वो उस तरह नहीं मूव करेगा, तो उसकी वॉल मोशन एबनॉर्मैलिटीज़ जो होती हैं हार्ट की जो डिफरेंट वॉल्स उनको जिस तरह मूव करना चाहिए वो उस तरह नहीं कर पाती। तो जब वो नहीं कर पाती तो वो ये इंडिकेशन होता है एक कि इसका मतलब है अब आपको इसको आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं, कौन सी वॉल जो है वो नहीं मूव हो रही, कौन से सेगमेंट्स जो हैं हार्ट के वो नहीं मूव हो रहे। अच्छा, क्या नाम है इस टेस्ट का? एकोकार्डियोग्राम। एकोकार्डियोग्राम पूरा इसका नाम तो एकोकार्डियोग्राम है, मगर शॉर्ट लोग एको इसको कह देते हैं। जी हाँ। अच्छा, हमारे पास एक कॉल मौजूद है सर, फिर आपसे इस बारे में बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्थी मॉर्निंग आया सब, कैसे हैं? चैनल स्विच ओवर करने के बाद ना आपके पास ही रुकना पड़ता है, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने को समझने का मिलता जरूर है। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ राशि, मैं भी थोड़ा सा डिस्कस करूँ, क्योंकि जितने चैनल है सब में कुछ जेरी स्प्रिंगर टाइप शो, कुछ ऐसी स्टंट शो चल रहे हैं, कुछ मतलब कोई इन्फॉर्मेशन है नथिंग नथिंग। लेकिन बहरहाल आपके आज का एक तो पोल का सवाल इज वेरी गुड, क्योंकि पार्टी के आगे बैठे माँ बैठे या बीवी बैठे इसको ईगो का मसला नहीं बनाना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। डॉक्टर साहब ने कहा ना, डॉक्टर साहब इज अ वेरी गुड कार्डियोलॉजिस्ट एंड अ वेरी गुड पर्सन, बहुत अच्छी इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। इन्होंने जो बात की ना, ये तब दिलों में होता है रेस्पेक्ट वगैरह, इसको आप ईगो का मसला या अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जहाँ कम्फर्टेबल हो, जिस तरह कम्फर्ट लेवल हो उस तरह चलना चाहिए। सही है। तो अच्छा, मैं आपसे डॉक्टर साहब दोनों, मैं ये सबसे पहले तो कहना चाहूंगा, देखिए बाकी के हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, और मैं समझता हूँ कि हम लोग बिना वजह बहुत सारे ज्यादा क्रिटिसाइज भी करने लगे डॉक्टर्स पे, लेकिन अगर आप देखें तो हमारे यहाँ बहुत ये लोग सर्व कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास ऑप्शन भी होते हैं कि बाहर भी चले लेकिन फिर भी रह के काम। मैं ये डॉक्टर से पूछना चाहूंगा, डॉक्टर साहब एक तो पहले मैं सलाम करना चाहूंगा आपको। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ये बताइए, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हार्ट डिजीज बेइंतहा बढ़ती जा रही है और हर आदमी जो है ना दिल का मरीज बनता जा रहा है बहुत ज्यादा टेंशन की वजह से या डिफरेंट वजह से, लेकिन हमारे जो जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, GPs जो होते हैं, मैं अक्सर ये पूछता हूँ, क्योंकि होता ये कि वो बिल्कुल रिफ्रेशर्स नहीं करते और वो एक लकीर के फकीर बने रहते हैं, डायग्नोस करने में बहुत देर लगा देते हैं और वो उनको मतलब अपडेट नहीं रहते चीजों से, तो क्या ये जरूरी नहीं है कि इन डिजीजेस को कवर करने के लिए उनको अपडेट रहना चाहिए और रिफ्रेशर कोर्सेज वगैरह करने चाहिए? थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच याया साहब। याया साहब जो है वो हमारी दुखती रख पे पांव रख के चले गए। एक्चुअली सर 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 जी जी ब्रेक के बाद आंसर करेंगे, छोटा सा ब्रेक है, बहुत छोटा सा ब्रेक है, हम अभी वापस आ रहे हैं और याया साहब के सवाल का भी जवाब देंगे और आप लोग के भी कॉल्स लेंगे, कहीं मिल जाएगा। विल बी राइट बैक।